आज के समय में डाकू सिर्फ आपको मूवीज और कहानियों में ही देखने को और सुनने को मिलते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब हर इलाकों में अलग अलग डाकुओं का आतंक रहा करता था। डाकू हत्या करने, लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। आज हम आपको भारत देश के उन डाकुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे न सिर्फ इलाके के लोग डरते थे बल्कि पुलिस भी उनके नाम से खौफ खाती थी। नंबर एक, डाकू वीरप्पन का नाम तो आपने सुना ही होगा। बेहद खतरनाक आपराधिक किस्म का व्यक्ति कहना तो इसे गुनाह नहीं है, क्योंकि ये डाकू इतना खतरनाक था कि इसकी दहशत से इलाके के लोग थरथर कांपते थे। पुलिस वाले भी इसके आसपास भटकने से कतराते थे। तमिलनाडु और केरल के जंगलों में डाकू वीरप्पन ने अपना पूरा दबदबा बना रखा था। 1975 में डाकू वीरप्पन ने अपने आपराधिक कारनामों को अंजाम देने की शुरुआत की और पहली बार 1972 में गिरफ्तार हुआ था। डाकू वीरप्पन ने हाथी के दांतों और चंदन की लकड़ियों की तस्करी भारी पैमाने पर की थी, और जो लोग वीरप्पन के आपराधिक काम के रास्ते में आते थे वह तुरंत उनको सीधे ऊपर का रास्ता दिखा दिया करता था। नंबर दो पे है डाकू मान सिंह। इसका जन्म आगरा में हुआ था और इसके इलाके के लोग मान सिंह को रॉबिन हुड के नाम से जानते थे। मान सिंह सिर्फ अमीरों को ही लूटा करता था और गरीबों में बांट दिया करता था। कहते हैं कि डाकू मान सिंह के आपराधिक कार्यों के भी कुछ उसूल थे, और ये बड़े ही हैरान कर देने वाली बात है कि उसने किसी भी औरत या गरीबों या फिर बच्चों पर किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं किया था। लेकिन मान सिंह ने जितने भी भलाई के काम किए हों, लेकिन उसका तरीका तो गैरकानूनी ही था, और फिर उसके साथ भी वही हुआ जो गरीबों के बारे में सोचने वाले हर एक इंसान के साथ होता है। सन 1995 में पुलिस ने एक इनकाउंटर में गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले डाकू मान सिंह को मार दिया। नंबर तीन, डाकू निर्भय सिंह गुर्जर। निर्भय सिंह गुर्जर चंबल के सबसे बड़े डाकुओं में से एक माना जाता था, और इसके गुट में कुल 70 से 75 डकैत शामिल थे। इसके गुट का हर एक डकैत AK-47 राइफल से लैस होता था। निर्भय सिंह गुर्जर के हर एक डाकू के पास नाइट विजन दूरबीन, बुलेट प्रूफ जैकेट और मोबाइल फोन की तो जैसे भरमार होती थी। इस खतरनाक डाकू की मौत पुलिस की गोली से साल 2005 में हुई। नंबर चार, अब जिस डाकू का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। डाकू का नाम है फूलन देवी। फूलन देवी एक ऐसी इकलौती महिला डाकू थी जिनकी जिंदगी पर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनी है। 1980 के दशक के शुरुआती दिनों में चंबल की सबसे खतरनाक डाकू के रूप में मानी जाती थी। इसके डकैत बनने के पीछे की कहानी लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। फूलन देवी के साथ कुछ उच्च बिरादरी के लोगों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार बलात्कार किया था। इसी वजह से सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की खातिर फूलन देवी ने बंदूक का सहारा लिया और फूलन देवी के नाम के आगे डाकू शब्द लग गया। साल 2011 में शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने फूलन देवी की हत्या उस समय कर दी जब वो आपराधिक दुनिया को छोड़कर राजनीति में सांसद सदस्य के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी। नंबर पाँच, सुल्ताना डाकू। डाकू मान सिंह की तरह सुल्ताना डाकू को भी गरीब लोगों का मसीहा माना जाता था, लेकिन दहशत ऐसी थी कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने सर उठाने की जुर्रत कर सके। दौलतमंदों को लूटकर हमेशा गरीबों की मदद करना सुल्ताना डाकू की फितरत थी। डाकू सुल्ताना को ब्रिटिश सरकार ने नजीबाबाद में फांसी देकर मार डाला। इसके साथ हमारा किस्सा यही खत्म होता है, और इस कहानी से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि हथियार उठाने वाला हर इंसान अपराधी नहीं होता बल्कि उसके पीछे कई बड़ी वजह होती है। कईयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ता है, तो कईयों को उन गरीब और बेसहारा लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हथियार उठाना पड़ता है। खैर, ये तो रही मेरी बात, अब इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।